खंड एक जी नहीं विभाग से स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त इनकी अन्य जगह ब्रांच संचालित नहीं है। खंड दो स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाए जाने पर आस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जाकर कार्रवाई की जाती है। माननीय मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी तीसरी बार क्वेश्चन आया है और मंत्री जी का सेट जवाब है और मैं मंत्री जी की जानकारी में लेकर आना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि अधिकृत दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं है, गदरखेड़ा, मोरजनखारी, सुंदरपुरा, दुल्लापुर कैरी, सोनेवाड़ चक, आप बता सकते हैं ये दुकानें किस आधार पर खुली हैं? क्या सरकार के पास रिकॉर्ड है इनका या ऑथराइज दुकानें को बता सकते हैं? मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको कागज दिया था और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है और आपने कहा कि हम अगर कोई अवैध दुकान है उसकी कार्रवाई करेंगे, कृपया बताएं। अध्यक्ष महोदय आपने 22-23 की दुकानों के संबंध में पत्र लिखा था, उसकी जांच करा के आपको उसकी सूचना भिजवा दी गई है। आपने गदरखेड़ा के लिए कहा, गदरखेड़ा इलीगल दुकान थी, वहाँ उसकी गिरफ्तारी करके दुकान को बंद करवा दिया है। जब आपने पतली के लिए लिखा वहाँ कोई अवैध शराब की दुकान नहीं मिली। आपने तख्त हजारा के लिए वहाँ कोई अवैध संचालित नहीं है दुकान। करड़वाला में कोई अवैध संचालित नहीं है दुकान। कुल आपके वहाँ दुकान है 37 है और 11 वहाँ गोदाम है, तो कोई अवैध दुकान हो आपको हमने पहले ही पत्र का जवाब और आपकी पूरी शिकायत की जांच करके आपको भिजवा दिया। अगर कोई दुकान अवैध है आप जब भी कहेंगे, हमने डीओ को अधिकृत कर, डीओ को आप जब भी कहेंगे अवैध दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी मंत्री जी कह रहे हैं तक जरा में कोई दुकान नहीं है, तक सोनेवाड़ा चक में गोदाम के नाम से ब्रांच चल रही है और रात को 3 बजे तक खुली रहती है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठी लिखी और अभी तक आई हैव नो रिसीव्ड फ्रॉम द एनी आंसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मंत्री जी बताएं इसके बारे में वो कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जो भी सूचना आपको दी भिजवाई, आपने दोबारा नहीं कहा कि दुकान बंद नहीं हुई, हमने तुरंत उसकी गिरफ्तारी की है। अवैध दुकान को जहाँ भी कोई सूचना दे वहाँ आप तुरंत हमारे डीओ को बताएं, डीओ कार्रवाई नहीं करे तब, अगर डीओ कार्रवाई आपकी शिकायत पर नहीं करता है हम डीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न सुमित गोदारा।